हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बच्चों हम लोग हाजिर हुए क्लास एलेवेंथ की मैथ्स लेकर के जिसमें लोग चैप्टर नंबर वन सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो सेट्स के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया एक्सरसाइज वन पॉइंट वन पढ़ लिया वन पॉइंट टू पढ़ लिया है ना बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हम लोगों ने डज नॉट बिलोंग्स टू का यानी कि वन पॉइंट टू तक का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज कर ली है आज हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री पर लेकिन एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले आपको उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तब आप एक्सरसाइज 1.3 कर पाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सबसेट से रिलेटेड हैं सबसेट क्या है पावर सेट क्या है इससे रिलेटेड है तो आपको सबसेट के बारे में समझना पड़ेगा पावर सेट के बारे में समझना पड़ेगा ठीक है तो ये सब तमाम बातें हम लोग करेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री में चलिए बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे यहां पे लिखा हुआ है सबसेट तो सबसेट क्या होता है सबसे पहले आपको समझना यह जरूरी है सबसेट क्या होता है बेटा तो पहले मैं आपको समझाता हूं देखो ऐसे नॉर्मली समझिए बिल्कुल आसान सी भाषा में सबसेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है जब मान लीजिए कोई दो सेट है कोई सेट ए है कोई सेट बी है तो सेट ए को बी का सबसेट हम तब कहेंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट किस में हो सेट बी में हो मैंने क्या बोला जब सेट ए के सारे एलिमेंट किसमें हो सेट बी में हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्या बोलेंगे बेटा ए इज ए सबसेट ऑफ बी इट तो आइए इसी को लिख करके हम यहां पे व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं क्या होता है चलिए हम क्या लिखेंगे सबसेट की डेफिनेशन यहां पे आप ध्यान में रख के चलेंगे कि सेट ए इज सेट टू बी सेट ए अ सेट ए इज सेट टू बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ बी हम किसी सेट टू बी सेट टू बी सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज also एलिमेंट ऑफ बी एलिमेंट ऑफ बी ये ये आपको ध्यान में रखना रख के चलना है ठीक है ना तो हमने क्या बताया कि किसी भी सेट को किसी भी सेट को आप सबसेट कब बोलोगे कि सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी सेट ए को बी का सबसेट आप तभी बोलेंगे जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए और इसको डिनोट कैसे करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए इज ए सबसेट ऑफ बी ऐसे है ना इस नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं सबसेट इस तरीके से ठीक है मतलब जैसे सी बनता है ना तो सी को थोड़ा सा क्या कर दो उसका मुंह उसका हाथ खींच के बढ़ा दो तो वो क्या बन जाता है सबसेट ठीक है तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छा सा प्यारा सा है ना तो देखिए कहानी क्या है हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर हमने क्या बोल दिया सेट ऑफ रेशनल नंबर ज्यादा हम डीपली नहीं जाते हम ज्यादा ऐसे ही बात कर लेते हैं जैसे मान लीजिए सेट ए आपके पास दे दिया वन टू थ्री फोर है ना और सेट बी दे दिया आपको सेट बी दे दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो अब आप इसमें देख के समझिए देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट है कि नहीं देखो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर मिल गया ना तो सेट ए के जितने एलिमेंट है सेट बी के भी वही एलिमेंट हैं सेट बी आप इस तरीके से बोलो तो ज्यादा आपको बेटर पड़ेगा कि सेट ए के सारे इवेंट बी में अवेलेबल हो, हैं होने चाहिए तो हम क्या बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ए क्या है बी का सबसेट है यही है आपका क्या आंसर ठीक है अगर कोई भी एलिमेंट अगर गायब हो जाता तो फिर सबसेट ना होता बात समझ गए फिर सेट बी में कितने भी एलिमेंट लिखे इससे मतलब नहीं है बस सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए दिस इज द कंडीशन फॉर सबसेट ओके तो आई होप आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ठीक है तो आइए हम आगे बातचीत कर लेते हैं चलिए इंटरवल की बातचीत करते हैं बेटा थोड़ा सा हम किसकी बात कर लेते हैं इंटरवल्स की बातचीत कर लेते हैं तो देखिए हम इंटरवल की बातचीत करेंगे इंटरवल्स है ना इंटरवल्स की बातचीत करेंगे हम लोग अब आप कहोगे सर कि ये इंटरवल्स क्या चीज होती है जरा बताइए तो इंटरवल वो वाला क्या जो मूवी के बीच में हो जाता है ना इंटरवल वो वाला इंटरवल है कि जो स्कूल्स में इंटरवल होता है वो इंटरवल है ये कौन सा इंटरवल है जरा बताइए तो हमने कहा ठहरिए ये ना स्कूल वाला इंटरवल है ना आपके मूवी थिएटर वाला इंटरवल है ये यहाँ पर सबसेट वाला ये सेट वाला इंटरवल है आइए मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ देखिए कहानी क्या है जो आपके इंटरवल होते हैं मैं बात करूं तो इंटरवल देखो इंटरवल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप क्लास इलेवेंथ में सेट चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यूज तो होगा ही होगा साथ साथ आप जब इसके और चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे वहाँ भी यूज़ होगा और नहीं तो ट्वेल्थ क्लास में जब आप पहुँचेंगे तो ट्वेल्थ क्लास में जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और तमाम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है यहां पर धड़ल्ले से यूज होगा क्या इंटरवल्स तो इंटरवल्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप गलती ना करें तो मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि इंटरवल्स क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ठीक है अब इसका यूज तो मैंने पहले बता दिया कि कैलकुलस में होगा और चैप्टर्स में करेंगे हम लोग ठीक है सेट में तो होना ही होना है देखिए बेटा इंटरवल्स चार टाइप के होते हैं कितने टाइप होते हैं बेटा चार टाइप के एक जो होता है इंटरवल उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल क्या बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल दूसरा इंटरवल होता है बेटा क्लोज इंटरवल क्या होता है क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल ठीक है जो तीसरा इंटरवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल और जो चौथा होता है इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल क्या बोलते हैं बेटा क्लोज ओपन इंटरवल क्लोज ओपन इंटरवल देखा चार टाइप के इंटरवल अब कुछ बच्चों के दिमाग में बिल्कुल दिमाग बिल्कुल झन्ना गया होगा क्या सर आप बार बार ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्लोज ओपन ओपन क्लोज ये सब क्या क्या बता रहे हैं तो मेरे कहा ठहरी है अभी आपको पता चल जाएगा बेटा ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे लिखते हैं पहले ये समझिए ओपन इंटरवल को लिखने का जो बेटा तरीका होता है वो होता है इस तरीके से जो छोटा ब्रैकेट जानते हो सब लोग छोटा ब्रैकेट बैक, है ना स्मॉल ब्रैकेट की तरह हम लोग क्या लिखते हैं ओपन इंटरवल लिखते हैं ठीक है ठीके? जो हमारा क्लोज इंटरवल होता है तो आप सबको पता है बिग ब्रैकेट तो जैसे जो बिग ब्रैकेट होता है तो बिग ब्रैकेट को ही हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं बेटा क्लोज इंटरवल क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल अब बात करते हैं ओपन क्लोज इंटरवल अब ओपन क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है तो एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज इंटरवल होगा यानी कि सिंपल सी बात है एक तरफ ओपन इंटरवल एक तरफ क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल ठीक है अब क्लोज ओपन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ क्या होगा हमारा क्लोज होगा एक तरफ हमारा क्या होगा क्लोज दूसरी तरफ क्या होगा ओपन इंटरवल समझ गए ये चार टाइप के इंटरवल होते हैं ठीक है आप कहोगे सर क्या आप यही इंटरवल बताने के लिए आप कह रहे थे मैंने कहा ठहरिए बिल्कुल हम इसी की बात कर रहे थे लेकिन इसकी प्रॉपर्टी समझिए तब तो आपको समझ में आएगा कि ये इंटरवल केवल मात्र इंटरवल नहीं है इसके बीच की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आइए समझ लेते हैं देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है ठीक है ये तो आप अलग से आप लिखेंगे ही लेकिन इसको भी ध्यान में रख के चलिए देखिए अगर ओपन इंटरवल है अगर मैंने ऐसे लिखा और इसके बीच में कोई नंबर जैसे हमने लिख दिया सिक्स कॉमा टेन तो इसकी मीनिंग ये होती है समझ चलिएगा इसकी मीनिंग ये होती है बेटा कि ओपन इंटरवल में हम सिक्स को सिक्स और टेन के बीच की सारी वैल्यूज लिखेंगे लेकिन सिक्स और टेन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे आपने क्या समझा मैंने क्या बोला मैंने ये कहा कि अगर सिक्स और टेन कॉमा लगा के दो नंबर लिखे हुए हैं और क्या लगा हुआ है ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम सिक्स और टेन के बीच की सारी वैल्यूज को लिखेंगे बस किसको छोड़ देंगे छे और छेन को सिक्स और टेन को छोड़ करके इनके बीच की सारी वैल्यूज लिख डालना यानी आप क्या लिखेंगे सेवन एट नाइन बस इसकी मीनिंग ये हुई ओपन इंटरवल में जिस भी नंबर के बगल में ओपन इंटरवल लगा होता है उसको हम छोड़ के लिखते हैं ठीक है इन Exc एक्सक्लूड करके अब सुनो अगर क्लोज इंटरवल लग जाए इसी में अगर ऐसे क्लोज इंटरवल लग गया मान लो सिक्स कॉमा टेन हमने लिख दिया और क्लोज इंटरवल तो इसकी क्या मीनिंग हुई तो इसकी मीनिंग ये होती है बेटा क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हम इनके छ और दस के बीच की सारी वैल्यूज तो लिखेंगे लिखेंगे यानी कि सेवन एट नाइन तो लिखेंगे ही लेकिन क्लोज ब्रैकेट लगने से इसकी मीनिंग ये हो जाती है कि हम सिक्स को भी लिखेंगे और टेन को भी लिखेंगे यानी यहां पे हमने क्या लिख दिया सिक्स यहां पे हमने क्या लिख दिया टेन मतलब कि वी हैव टू राइट मिडिल वैल्यू ऑफ सिक्स इंक्लूडिंग वैल्यू को लिखना है इंक्लूड करते हुए किसको 6 और टेन को जबकि ओपन इंटरवल में सिक्स और दस के सिक्स और टेन के बीच की सारी वैल्यूज लिखनी थी एक्सक्लूड मतलब निकाल करके किसको 6 और 10 को समझ गए ये इसकी मीनिंग है अब हम बात करें इसी में अगर हम ऐसे कर दें सिक्स कॉमा टेन ओपन क्लोज इंटरवल कर दें तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जिधर ओपन लग गया उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है तो आप लिखेंगे सेवन एट नाइन और यहां पे टेन के बगल में कौन सा इंटरवल लग गया है क्लोज इंटरवल तो यहां पे हम टेन को इंक्लूड करेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं एक और बचा है अगर हम इसी को ऐसे लिख दें सिक्स कॉमोट टेन तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि अब हम सिक्स के बगल में क्लोज लगा है इसका मतलब है हम सिक्स की वैल्यू को क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे यानी कि सिक्स सेवन एट नाइन ये हो गया तो ये इसकी मीनिंग होती है अब आपको बात समझ में आ रही कि ये इंटरवल नॉर्मल इंटरवल नहीं है है ना ये मायावी इंटरवल है ठीक <laughs> है ये मायावी है तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इंटरवल की मीनिंग समझ गए सब लोग ठीक है ना तो प्लीज़ अच्छा एक बात और इंटरवल की मीनिंग समझ गए तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं जो सेट में इसकी मीनिंग है ये तो है ही तो उसमें हम कैसे लिखते हैं जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कोई नंबर लिखता हूं यहां पर देखिए कि एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा देखो यहां पर क्या है जो x की वैल्यू है दो से क्या है बड़ी है लेकिन सिक्स से छोटी है या उसके इक्वल है क्योंकि इक्वल टू भी लगा है तो जहां पर इक्वल टू लगा होगा वहां पर क्या लगेगा क्लोज ब्रैकेट क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू को लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो आप ऐसे ही तो लिखोगे कि जो एक्स की वैल्यू होगी आपकी यहां पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो दो से बड़ी होगी यानी दो को आपको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं लगा है दो से बड़ी लेनी है तो आप लिखोगे थ्री फोर फाइव लेकिन छह से छोटी तो है लेकिन इक्वल टू भी है तो यहां पे सिक्स भी लिखोगे तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि टू को हमने छोड़ दिया है बाकी बीच से लेकर के छह तक की सारी वैल्यूज को लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या करेंगे इसको अगर हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे ओपन टू कॉमा सिक्स क्लोज देख लीजिए अगर मुझे इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है कैसे लिखेंगे इस तरीके से तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि हम दो और छह के बीच की सारी वैल्यूज लिखेंगे लेकिन टू को इंक्लूड नहीं करेंगे और क्यों क्योंकि ओपन इंटरवल लग गया और छह के बगल में कौन सा लगा है क्लोज इंटरवल यानी कि सिक्स तक की वैल्यू को लिखेंगे बात समझ गए ये देखिए नीचे हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है तो इस इंटरवल को मतलब इस इनइलिटी से हम इंटरवल बदल दिए हैं इंटरवल से हम इनिक्वलिटी में भी बदल सकते हैं वाइस वर्सा सेम गॉट इट तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी सबसेट और इंटरवल से रिलेटेड तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तब हम अगला आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं चलिए तो चलिए बच्चों चलते हैं सबसेट समझ लिया अब समझते हैं पावर सेट क्या समझते बेटा पावर सेट के बारे में समझते हैं हम लोग चलिए पावर सेट देखते हैं बेटा क्या होता है पावर सेट है ना घात समुच्चय जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा घात समुच्चय एक मिनट मार्कर का भी गला सूख गया मैं इसको पानी पिला दूं है ना गर्मी इतनी पड़ रही है क्या करोगे आप एक मिनट बच्चों चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी सारी बातें पावर सेट ठीक है तो पावर सेट क्या होता है बेटा कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द पावर सेट व्हाट इज द पावर सेट देखो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज समझा देता हूं फिर मैं बातचीत करता हूं देखिए बेटा पावर सेट क्या होता है समझ के चलिए कि अगर कोई सेट ए है आपने उसका सबसेट निकाल लिया अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं ठीक है तो आपने किसी सेट का सबसेट निकाला और सबसेट को आपने क्या किया उन सारे सबसेट को करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो वो क्या बन जाता है हमारा पावर सेट बन जाता है क्या बन जाता है पावर सेट एक बार फिर से सुनिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई सेट ए है उसके आपने सबसेट निकाले सबसेट निकालने के बाद जितने एलिमेंट आए हैं उनको आप किस में बंद कर दीजिए कर्ली ब्रैकेट में अगर आप बंद कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है पावर सेट किसका? सेट ए का यानी हम पढ़ते कैसे हैं पावर सेट ऑफ ए है ना तो आइए हम इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं कैसे देखिए है. हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, इज कॉल्ड द पावर सेट इज कॉल्ड द पावर सेट इज कॉल्ड पावर सेट ए है ना इज कॉल्ड द पावर सेट ए सेट ऑफ ए ऐसे बोलिए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड ए and it is denoted by it is denoted by इट इज डिनोटेड बाई कैसे डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए ऐसे पी ए लिख करके क्या लिख करके बेटा पी ए लिख करके हम क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं ठीक है क्या लिख के कर डिनोट करते हैं बेटा पी ए लिख करके हम क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं ठीक है पावर सेट ऑफ ए जिस जिस भी सेट का पावर सेट लिख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे लगा के डिनोट करते हैं ठीक है, है? चलिए तो हम लोग क्या करते हैं आगे की बात बातचीत कर लेते हैं ठीक है तो आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई सेट है ए वन कामा टू ठीक है वन कामा टू तो इसका हमें सबसे पहले देखिए मैंने आपसे बोला था ना मैं आपको अभी क्या सिखाता हूँ सबसेट निकालना सिखाऊंगा किसी भी सेट का उसके बाद पावर सेट तो आपको अपने आप ही आ जाएगा ठीक है क्योंकि बस करना कुछ नहीं होता सबसेट के सारे एलिमेंट को करली ब्रैकेट में क्लोज करना होता है ठीक है तो आइए मैं आपको ये बातें बता देता हूं देखिए कोई सेट ए लिखा हुआ है तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दो बातें बताऊंगा पावर सेट निकालना सॉरी सबसेट निकालना उसके बाद पावर सेट निकालना देखिए तो सेट ए का सबसेट निकालिए सबसेट ऑफ सेट ए तो क्या होगा देखिए चुपचाप से हम क्या लिखेंगे पहले जितने एलिमेंट लिखे हैं छोटा समझिए फिर बड़ा भी करेंगे तो जो भी एलिमेंट है उसको सिंगल सिंगल कर्ली ब्रैकेट में लिखिए लिख दिया हमने फिर कौन है दो है तो टू को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा ठीक है फिर क्या है बेटा फिर जो बचे हुए हैं उनको लिख दो एक साथ यानी वन कॉमा टू एक साथ में लिख दिया ठीक है यानी वन को अलग से लिखा टू को अलग से लिखा कर्ली ब्रैकेट में जब कंप्लीट हो गए सारे एलिमेंट तो फिर वन टू साथ में लिख दिया अब एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसको बोलते हैं फाई तो फाइ इज सबसेट ऑफ एवरी सेट आप इस बात को ध्यान में रखिएगा मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पे ऐसे लिख देता हूं कि is इज subset ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट ध्यान रखिएगा जितने भी सेट होते हैं phi क्या होता है सबका सबसेट होता है ठीक है phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट यानी phi टपक पड़ेगा हर सबसेट जहां पे आप बनाएंगे जैसे यहां पर देखिए ये तो लिख दिया लेकिन फाइव बगल में टपक गया तो कितने एलिमेंट हो गए एक दो तीन चार एलिमेंट आपके बन गए इसमें तो ये निकल गया सबसेट ठीक सेट, सेट ए का अब मैंने क्या बोला था पावर सेट कैसे निकालते हैं तो पावर सेट के लिए कुछ नहीं करना तो पावर सेट ऑफ ए लिख करके ये जो एलिमेंट्स है ना इन्हीं को करली ब्रैकेट में क्लोज कर दू ये तो मैं आपको तीन बार बोल चुका हूं अभी तक तो कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वन कॉमा टू कौमा वन कौमा, टू और कॉमा फाइव ये देखिए करली ब्रैकेट बंद कर दिया ये हो गया आपका क्या पावर सेट निकल के चलाया किसका सेट ए का तो आई होप आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होंगी ठीक है तो एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं क्योंकि देखो अभी तक तो ये छोटा सा था तो आपने क्या कर लिया इसको निकाल लिया कि भाई चलो एक दो फिर एक दो बना लिया लेकिन अगर तीन एलिमेंट का आ जाए चार एलिमेंट का बनाने के लिए आ जाए तो आप गलती कर दोगे ठीक है या अगर गलती नहीं भी करते हो तो टाइम बहुत आपका चला जाएगा तो आप जल्दी करो और आपका गलत भी ना हो ऐसा कुछ तरीका हम लोग सीखते हैं तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है अगर हम अब अग, अभी तरीका क्या है कि बेटा जल्दी हो और गलत भी ना हो तरीका ये होता है कि हमें पता चल जाए कि जब हम सबसेट बनाएंगे तो कितने एलिमेंट बनने वाले हैं ठीक है क्या मैंने बोला कि अगर हमें पता चल जाए कि सबसेट हम बनाने जा रहे हैं किसी सेट का तो उसमें कितने एलिमेंट रहने वाले हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा फिर मान लो अगर बड़े नंबर का सबसेट बनाने के लिए दे दिया तो जैसे तीन चार एलिमेंट चार एलिमेंट का आगे बनाने के लिए दे दिया तो आपको पता रहेगा यार इतने एलिमेंट आने हैं अगर गलती से कहीं बीच में छूटा भी तो आप उसको बना ले जाएंगे ठीक है बात समझ पा रहे हो तो वही कहानी है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे है ना क्या लिख लेंगे कितने एलिमेंट हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख के चलते हैं बेटा इस तरीके से लिख के चलते हैं कि कि अगर मान लीजिए किसी सेट में एम एलिमेंट है क्या है बेटा अगर किसी भी सेट में कितने एम एलिमेंट है इफ देयर इज एम एलिमेंट एलिमेंट इन सेट इन सेट ए इन सेट इन इफ देयर इज एम एलिमेंट इन गिवन सेट ऐसे लिखो इन गिवन सेट कोई भी सेट जो दिया गया है अगर उसमें एम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू टू की पावर एम क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर एम तो में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर एम एलिमेंट होंगे जैसे मैं इस कितने इसी कॉन्सेप्ट इसी से इसी ट्रिक से तो टू लिखूंगा अब कितने एलिमेंट हैं दो तो एम की वैल्यू कितनी होगी दो तो टू की पावर टू क्या होता है चार फोर और देख लीजिए फोर एलिमेंट है कि नहीं एक दो तीन चार है ना जैसे मान लीजिए इसमें वन टू तो थ्री तीन एलिमेंट होते सेट ए में तीन एलिमेंट होते तो सबसेट जब बनाते तो उसमें कितने एलिमेंट आते तो क्या हो कहोगे सर टू की पावर थ्री क्योंकि ए में कितने एलिमेंट हो जाते थ्री एलिमेंट तो कितना हो जाता है ये एट यानी कि थ्री एलिमेंट अगर कोई किसी सेट में थ्री एलिमेंट है उसका अगर आप पावर सेट बनाते हैं पावर सेट का मतलब सबसेट जब अपना बनाने चलते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे आठ एलिमेंट आएंगे तो गलती से आठ एलिमेंट बनाते बनाते मान लो कोई छूट भी गया तो आप काउंट करोगे यार इस पर तो साथ ही दिख रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि यार एक की कमी है अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पता है तो बात समझ पा रहे हो तो आप कभी गलती नहीं करोगे तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सबसेट पावर सेट के कॉन्सेप्ट को और इंटरवल के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा है एक एक बात मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी है तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन ओके तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज करने के योग्य हो चुके हैं मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तो हम एक्सरसाइज को वन पॉइंट थ्री को डन करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अच्छे से पढ़ाई करिए अपने छोटों को प्यार करिए और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए